मैसेज। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट मी ब्रीफ यू अबाउट समथिंग। जो रूट होने वाला है उसके बारे में आपको ब्रीफ करूँगा टोटली एवरीथिंग। डिटेल्ड वीडियो बना रहा हूँ मैं इसका कि आपको भी रूट का पता लगे, रूट क्या है, कैसे प्लान किया, उसका एक आइडिया हो जाए। एक बस ये चीज़ बतानी, ठीक है? तो आप जैसे स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा है, ये अपना रैंड एयरपोर्ट आ गया पूरा। रैंड एयरपोर्ट आने के बाद ये आपको रनवे दिख रहे हैं, रनवे 17 है, रनवे 35 है, रनवे 29 है एंड ऑल्सो रनवे 11। सो ऑल्सो यू कैन सी आवर हैंगर, CFA हैंगर। जब मैं ये तो आपको दिख रहा है कि वहाँ पे अपना हैंगर है, हैंगर नंबर 28। और ये जो एयरक्राफ्ट पे मैं रोटेट कर रहा हूँ इस कर्सर को, तो वो अपना मान लो कि अपना एयरक्राफ्ट है, दिस इज आवर एयरक्राफ्ट। एंड देन फ्रॉम हेयर अभी ऑडियो सुनो। Oscar Mike November and morning. Oscar Mike November is Charlie 1722 Greenport for 30 minutes of endurance requesting taxi instructions as per the flight plan. Oscar Mike November, copy that. Stand by, activating your flight plan. My reference ID is 2906-00553. So ATC told us to stand by and then after that we had to wait literally 5 to 7 minutes to get the instructions for the taxi so we can start our taxi to active runway. Runway was in use on that day is runway 17, and then finally we got the instructions from that ATC and we started taxiing. And let's see further video so you'll get to know everything what happened on that day and how things work. Oscar Mike November, have your flight plan, taxi only point runway 11, hold short of runway 35, EQNH is 1030. Taxi to holding burner by 11, hold short 35, QNH 1030, Oscar Mike November. So after that, we started taxiing for active runway, runway 11. So जो path आपको screen पे दिख रहा है, उस path से होते हुए हमने taxi की अपना, और ये side hangars और schools हैं, और जो private hangars हैं, और जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये tower है, जो ATC जहाँ से, मतलब कि जो operate करता है पूरा airdrome, control जिसके अंडर आता है ATC, तो वो सबको इंस्ट्रक्शन देता है। तो जो बोलते हैं ना अंदाता, वो यहाँ पे है, ठीक है? तो यहाँ से इंस्ट्रक्शन वगैरह मिलती है सबको। तो उसके बाद इस वे से होते हुए यहाँ पे हमने लिया अपना लेफ्ट टर्न। लेफ्ट टर्न के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दोबारा से हमने राइट टर्न लिया लेफ्ट टर्न के बाद, ठीक है? राइट टर्न के राइट टर्न रहते ही जैसे दिख रहा आपको दो सॉलिड बार लाइन्स दिखेंगे, उससे पहले आपको रुकना है। आपको अगर इंस्ट्रक्शन नहीं है, मतलब कि आपको तब तक इंस्ट्रक्शन नहीं मिले इसको क्रॉस करने की, इसके इंस्ट्रक्शंस के बिना आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते, तो आपको रिक्वेस्ट करना है ATC से। Oscar Mike November holding short runway 35. Oscar Mike November, cross runway 35, continue the taxi. Cross runway 35, continue taxi, Oscar Mike November. और आफ्टर दैट यू विल सी ए विंड शॉक, उससे आपको पता लग जाएगा कि विंड डायरेक्शन क्या है और एक्टिव रनवे कौन सा है, उससे भी ऐड हो जाता है, ठीक है? एंड देन वी केम टू द पावर बे, यू कैन से वी डिड आवर पावर चेक्स before takeoff checks, and then we came to the holding point. From there we will call to the tower, we will tell them we are ready at holding point runway 11, because we are at runway 11 holding point, so we have to stop there. Then we will call them ready at holding point runway 11. From there you will see there is an intersection, we call this point intersection. And if you we took off from the intersection, though we were at the intersection, they gave us the clearance for the takeoff. Oscar Mike November requesting SCOC. So, एक मिनट यहाँ पे SCOC बोला विवेक ने, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। SCOC basically 4 digit का होता है, और जब हम navigation flight में जाते हैं तो हमें special rule से बाहर basically जाना होता है, cross country करते हैं, तो जब special rule से बाहर जाते हैं जो वो area information के अंडर आता है, तो information हमें screen पे देख सकता है radar पे, और उससे उनको पता लग जाएगा कि किस एल्टीट्यूड या किस फ्लाइट लेवल पे फ्लाई कर रहा है और इसकी लोकेशन पोजीशन कहाँ पे है, ठीक है? बेसिकली इस चीज़ के लिए है, और सर्च एंड रेस्क्यू में ये काम आता है। तो बेसिकली ये है बेसिक सी बेसिक। Oscar Mike November, score code is 0662. Oscar Mike November. Mike Bravo Yankee, cross runway 35. Cross runway 35, Mike Bravo Yankee. Oscar Mike November, require full info departure. Some board says frequency 1246 correct. Hold on for Charlie, thanks, bye-bye. We'll like to do at intersection Oscar Mike November. Oscar Mike November, line up and wait runway 11. Line up and wait runway 11, Oscar Mike November. And here we line up at runway 11 intersection.
Oscar Mike November runway 11. Clear takeoff. Service wind is 050 degrees 10 knots. Right hand turn out. Report zone up on Silver Ball 6300 feet. Clear for takeoff runway 11. Right hand turn out. Reports outbound 6300 feet over at Silver Ball. Oscar Mike November. Please. Double transmission. Echo Oscar Romeo. Standby. So full power and here we go. एंड गाइज वन मोर थिंग, इसमें मैं जस्ट अपने एयरक्राफ्ट है ना जो उसी का रेडियो कॉल्स के सबटाइटल डाल रहा हूँ, इसके अलावा किसी और के नहीं डाल रहा इतने ज़्यादा. सो उसके अलावा म्यूज़िक डाला जाएगा, इन्जॉय करो. Oscar Mike November broadcast 125.6. Bye bye. 125.6. Bye bye. Oscar Mike November. So एक छोटा सा ब्रेक. यहाँ पे हम जोन आउटबाउंड हो गए हैं अपना जो CTR था उससे, और अब स्पेशल रोल में है. ठीक है, तो स्पेशल रोल में हम अपना एल्टीट्यूड कैसे डिसाइड करते हैं वो आपके मैग्नेटिक ट्रैक पे डिपेंड करता है. मैग्नेटिक ट्रैक पे आप देखोगे अगर आपका 90 या 270 से ऊपर है, दैट मीन्स कि अगर 45 या फिर उस साइड लगाओ 360 या फिर ऊपर हाफ पोर्शन है जो सर्कल का, अगर उस सर्कल में फ्लाई कर रहे हो तो आप फ्लाई करोगे 7500 फीट, और अगर उस सर्कल के हाफ नीचे वाले फ्लाई कर रहे हो तो आप फ्लाई करोगे 7000 फीट. ओके, ये चीज़ हो गई. और इसके बाद हमने आपने देखा यहाँ पे कि हमने जैसे ही एयरबोर्न हुए राइट हैंड टर्न लिया और सिल्वर बॉल आए. सिल्वर बॉल आके यहाँ पे, इसमें दिखाएगा नहीं जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इसमें सिल्वर बॉल नहीं दिखाएगा, लेकिन सिल्वर बॉल यहाँ पे है, यहाँ पे आए. उसके बाद हमने राइट टर्न लिया, अगेन राइट टर्न. यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी चेंज की, फ्रीक्वेंसी चेंज करके बाद उन्होंने बोला कि 125.6 जो कि स्पेशल रूल साउथ की यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है. स्पेशल रूल साउथ की फ्रीक्वेंसी पे हमने उनको बोला कि हमारी पोजीशन क्या है, हमारा एल्टीट्यूड क्या है, और हमारा नेक्स्ट रेफरेंस पॉइंट क्या होगा जहाँ पे हम जा रहे हैं, और नेक्स्ट जो हम क्लाइंब करेंगे या डिसेंड करेंगे वो आपको बताना होता है. तो हम क्लाइंब करेंगे 7500 फीट और उनको बताएंगे रूटिंग टू एलिस पार्क, क्योंकि हमें राइट हैंड साइड जाना है हमारा रूट की तरफ, और ये चीज़ हमें सब कुछ बताना. उसके बाद हम जाके एलिस पार्क पे फ्रीक्वेंसी अपनी दोबारा चेंज करेंगे, वो स्पेशल रूल वेस्ट की होगी, क्योंकि वहाँ से स्पेशल रूल वेस्ट शुरू हो जाता है. वहाँ से हम स्पेशल रूल वेस्ट की अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, ब्रॉडकास्ट करेंगे स्पेशल रूल वेस्ट पे. और बस ये चीज़ है. आगे जब हम निकल जाएंगे स्पेशल रूल्स से, उसके बारे बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो एरिया है स्पेशल रूल्स के अलावा जो जोबर्ग इन्फोकेंट रहता है उसमें हमें फ़्लाइट ट्रैवल किस हिसाब से काम करते हैं और कैसे क्या सब कुछ सिनेरियो है. और बीच में जब स्पेशल रूल्स में फ़्लाई करते हैं तो हमें एयरक्राफ्ट टू एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन करना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि हमारी पोजीशन क्या है, एल्टीट्यूड क्या है, QNH क्या है, ताकि ट्रैफिक को दूसरे ट्रैफिक के बारे में पता रहे और जो इन एयर कोलिजन है ना वो बच सके. ठीक है, तो नॉर्मल सी बात ये है, बेसिक से बेसिक. ओके, सो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं. स्पेशल रूल ट्रैफिक साथ जो लोग सीआर है उसका माइक नंबर 4172 करंटली और एडसिलो बॉय 6500 फीट क्लाइंबिंग टू 7500 फीट एंड वी आर रूटिंग टू एलिस पार्क एंड वी विल चेंज फ्रीक्वेंसी और एट एलिस पार्क फॉर स्पेशल रूल वेस्ट उसका माइक नंबर. स्पेशल रूल वेस्ट Zulu Sierra Oscar Mike number Charlie 172. We are currently over at Ellis Park at 7500 feet and we are routing to Uttaruk. We are on QNH 1030. Oscar Mike November. Traffic 125, it's NetJet 7, Bell 407, we from Brits, Dumont Park. We're just clearing Lanterre airspace to the north of the...
Negative, ma'am, we'll fly over at Flansburg. Oscar Mike November. Oscar Mike November, report overhead Flansburg. Report over at Flansburg. Oscar Mike November. विजिबिलिटी देखो यार एक बार आप, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा ऊपर से। सो फिर से एक छोटा सा पोज वीडियो में, तो एक छोटी सी और चीज़ में वो यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे कि हमने फ्लाइट ट्रैवल रिक्वेस्ट किया 085, सो सेम ये चीज़ भी अप्लाई होती है आपकी इन्फो के हिसाब से। जैसे हमने स्पेशल रूल्स में 7000 और 7500 फीट की थी मैग्नेटिक ट्रैक के हिसाब से, यहाँ पे भी मैग्नेटिक जो ट्रैक है उसके हिसाब से हम फ्लाइट लेवल सेलेक्ट करते हैं। अगर आपका 0 से लेके 180 राइट साइड में है, राइट साइड में जो भी आपके नंबर्स आएंगे मैग्नेटिक ट्रैक के, उस साइड में हम ओड नंबर फ्लाई करेंगे। और अगर लेफ्ट में आएंगे तो हम जो आपके एवन नंबर्स हैं एवन नंबर फ्लाई करेंगे। ओड नंबर से जैसे कि आपका हो गया 7500 फीट, VFR के लिए हम ये यूज़ करेंगे और IFR के लिए 7000 यूज़ करेंगे। सो 7500 फीट सेलेक्ट कर सकते हो आप, और या फिर 5500 फीट सेलेक्ट कर सकते हो, 9500 फीट सेलेक्ट कर सकते हो। ओड तो हो गई ये, और इवन में आता है आपका 8500 फीट और 6500, इवन फ्लाइट लेवल 065 और इवन फ्लाइट लेवल 085। शॉर्ट फॉर्म में हम 065 085 बोल देते हैं, ठीक है। और जैसे ही आप अपना जो स्पेशल रूल्स का एरिया होता है उससे बाहर जाते हो, आप है ना QNH से QNE चेंज करते हो, वहाँ पर डालते हो जो आपका स्टैंडर्ड होता है 1013, उसके हिसाब से फ्लाइट लेवल काम करता है। QNE डालते हैं, QNE के हिसाब से हम उसके बाद वो फ्लाइट लेवल शो करता है, ठीक है। तो ये चीज़ इन्फो में हम पूरा फ्लाइट लेवल चलते हैं, रिक्वेस्ट फ्लाइट लेवल मैग्नेटिक ट्रैक के हिसाब से करते हैं, ये चीज़ होगी। और इसके हिसाब से अपना इन्फो में पूरा फ्लाई करते हैं, और उसके बाद जब इनसाइड एंटर करते हैं, जो वक्त इन्फो को छोड़ के जब हम अपना इसमें स्पेशल रूल ट्रैफिक बोल सकते हो, स्पेशल रूल्स में जब एंटर करते हैं, तो उसके बाद हम दोबारा चेंज करते हैं QNH में, और फिर हम एल्टीट्यूड वो फ्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई है, और आगे वीडियो देखो आप। Oscar Mike November is currently a beam of Derby at flat 085. Oscar Mike November, change frequency 119.5. Change frequency to 119.5, Oscar Mike November. Good information from Oscar Mike November. Oscar Mike November, today sir, report to beam next, correction report next to beam center stop. Center stop? Please say again, Oscar Mike November. Oscar Mike November, report next beam center stop. Report next beam center stop, Oscar Mike November. Nautical mile, left mein, roll aayega left mein. Fir aage tower bhi aayega ek, aur. कुछ भी करो, अगर मतलब साथ में कोई फ्लाई कर रहा तो थोड़ा इजी हो जाता है, अकेले फ्लाई कर रहे हो तो थोड़ा एक्टिव होता है अकेले फ्लाई करते हो तो। अभी क्या है देखो, ग्राउंड फीचर देख के कि ग्राउंड पे आगे टाउन आ रहा भाई, वहाँ पे एक टाउन है और साइड से रोड जा रहा है, तो हमने देख लिया हमारा रूट इस साइड से जा रहे हैं, तो ये डर भी हमने यहाँ पे रिपोर्ट किया, और उसके बाद ये रोड फॉलो करते हुए जा रहे हैं तो ये टाउन आ गया, ठीक है। यहाँ पे पावर लाइन भी, ये छोटी सी आपको दिख रही, पता नहीं दिख भी रही है नहीं, लेकिन ये पावर लाइन है यहाँ और ये रोड है, तो हमें दिख गया ये आगे टाउन है और हमारे साइड से रोड जा रहा है। तो ऐसे आप ग्राउंड फीचर्स और मैप को रीड कर सकते हो। Let's go to information again. Oscar Mike November is currently over at Clark's Drop, requesting descent to flight level 075. Oscar on frequency, say again. Oscar Mike November is over at Clark's Drop at flight level 085, requesting descent to flight level 075 towards call for the victor. Oscar Mike November. Oscar Mike November, confirm you are overflying Clark's Drop.
FM sir, we are flying Klagstrup. Alaska November Hotel, no report of traffic for your defensive flight level 075. Reminder to arrange your flight clear of the Borchestrom restricted area at all times and report maintaining. Clear to descent flight level 075, will remain clear of Borchestrom restricted area, will report when maintaining. Oscar Mike November. सो यहाँ पे एक छोटा सा पोज इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैंने जो बिफोर एंट्रिंग है जो बक्टीएमए में हमने वो रिकॉर्ड नहीं की, तो मैं बता देता हूँ क्या था वहाँ पे। जैसे ही हम एंटर करने के लिए रेडी थे तो हमने कॉल की कि जॉब इन्फो फ्रॉम जुलू सियारा ओस्कर माइक नवंबर, तो उनका रिस्पॉन्ड आया बैक ओस्कर माइक नवंबर गो अहेड फ्रॉम जॉब इन्फो। सो हमने उनको जस्ट यही बोला कि वी आर रेडी टू डिसेंड एंड वी आर रेडी टू एंटर, सो रिक्वेस्ट डिसेंट। हमने डिसेंट के लिए रिक्वेस्ट किया था कि हम डिसेंट कर सकें और 7500 फीट या बिलो रहना हमें, तो उसके हिसाब से हमें अपनी फ्लाइट अरेंज करनी होती है, ठीक है। तो हम फिर डिसेंट हुए, हमें क्लियर किया। डिसेंट होने के बाद हमने अंदर जोबर्ग जनरल फ्लाइंग एरिया में एंटर हुए। वहाँ पे एंटर होने के बाद उन्होंने बोल दिया था कि QNH इतना है जोबर्ग का एंड आप अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हो। उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी चेंज की। हम थ्रू आउट जोबर्ग जनरल फ्लाइंग एरिया जो है हमारा जो लोकल मतलब कि जिसमें हम हमेशा जाते हैं जनरल फ्लाइंग एरिया जहाँ पे हम अपनी एक्सरसाइजेज करते हैं, तो वहाँ पे उस एरिया में थे और सब कुछ हमने मतलब रेडियो कॉल्स वगैरह की, दूसरे एयरक्राफ्ट से बात ही करनी होती है ट्रैफिक जो होता है नॉर्मली। तो उसके बाद हम स्पेशल रूल साउथ में आए। अगेन साउथ में जो आगे की वीडियो देखे वो आप स्पेशल रूल साउथ से देखेगी। वहाँ से हमने जब हम दोबारा से अपने TMA में आते हैं मतलब कि हमारा जो कंट्रोल जोन है उसमें आते हैं, उसके लिए हम जॉइनिंग एंड लैंडिंग प्रोसीजर के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। तो आगे वो आप वो देखोगे, ठीक है। सो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। Zulu Sierra Oscar Mike November, enter today, go ahead. Oscar Mike November, Charlie 172, currently coming up overhead. Romeo Delta 6500 feet, requesting joining and landing procedures. Oscar Mike November, QNH 1029, join and report right base runway 11, 6500 feet. QNH 1029, join and report left base runway 11, 6500 feet. Oscar Mike November. Oscar Mike November is on left base, correction right base for runway 211. Oscar Mike November, report final approach runway 11, number 1. Report final approach runway 11, number 1, Oscar Mike November. Oscar Mike November is on final approach runway 29, correction 11. Oscar Mike November, runway 11, surface wind 050 degrees 10 knots, clear to land. Clear to land runway 11, Oscar Mike November. Hi, Chagasa Vendor, take you. Land to Tango Foxtrot Uniform ready for departure, runway 11, intersection requesting for a full end. Tango Foxtrot Uniform, put the traffic on final approach, runway 11 inside. Tango Foxtrot Uniform. Tango Foxtrot Uniform, behind the traffic on final, intercept track runway 11, behind report read on the turnaround. Tango Foxtrot Uniform, enter runway 11, backtrack for a full. All enter back to behind the landing traffic will call you ready on the turnaround, Tango Foxtrot Uniform. The ground ready for departure 11, number 2 in turn, intersection for departure, request squawk. Sierra Romeo Bravo, turn, line up in it, runway 11, intersection. Turn, line up in it, runway 11, intersection, Sierra Bravo. पूरा क्रॉस करना ऐसा लगेगा। हाँ
good day. Oscar Mike November, cross runway 35 for turning. Cross runway 35 for turning, Oscar Mike November. हाँ तो भाई आज की वीडियो इतनी रखते हैं, ठीक है? करीबन तीन घंटे मिल गया आराम से फ्लाइंग में नेविगेशन, तो इसके 40 और के समथिंग बचे हैं, मतलब कि अभी रह गए होंगे 37 के अराउंड. Friend, only good afternoon to the tanker, Romeo Alpha Kilo. ऐसा ही कुछ आज का सीन था भाई. ये सर्टन में 35 है, वो सर्टन में 17 है. आज की वीडियो को इतने रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें. अगर कुछ भी पूछना हो कमेंट कर देना भाई, सब कुछ बता दूंगा. डीएम कर देना इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, कहीं पे भी कर दो. और व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर किसी को बात करनी है तो व्हाट्सएप पे. तो आज की वीडियो को इतना ही, ठीक है? दो बार यार, मिलते हैं वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें. बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़. वंदे मातरम, जय हिंद गाइस.